दोस्तों, तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं होलोनोमिक और नॉन होलोनोमिक कंस्टेंट के बारे में, जो आप लोग को बीएससी थर्ड ईयर में आप लोग को क्वेश्चन बैंक का ये क्वेश्चन है। यदि आप लोग वीडियो देखते देखते थक चुके हैं, समझ में नहीं आया, तो बस आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। यदि आपको समझ में आएगा तो ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना मत कीजिएगा। और आप लोग को पूरा लैंग्वेज के साथ हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको लिखना कैसे है एग्जाम में। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन देखिए है कि होलोनोमिक और नॉन होलोनोमिक कंस्टेंट। देखिए, होलोनोमिक और नॉन होलोनोमिक कंस्टेंट्स को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये कंस्टेंट होता क्या है। ये जो यहाँ पे हम लिखे हैं कंस्टेंट, ये कंस्टेंट होता क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए यहाँ पे लैंग्वेज, सबसे पहले कंस्टेंट के बारे में कि द लिमिटेशन ऑन द मोशन ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड कंस्टेंट। सिंपल लैंग्वेज है, किसी के मोशन, जब कोई भी मोशन कर रहा है उसके मोशन पे यदि हम लिमिट लगा देते हैं तब उसी को हम लोग कहते हैं कंस्टेंट। जैसे सपोज कर लो कि ये रूम है, एक कमरा है, इस कमरा में बहुत सारे मधुमक्खी है, इस कमरा में बहुत सारे मधुमक्खी है। अब उस मधुमक्खी को किसी एक बॉक्स में हम बंद कर दिए हैं कि मधुमक्खी तुम उसी बॉक्स में घूमना, उससे बाहर आप नहीं घूम सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि मधुमक्खी के ऊपर एक लिमिट लगा दी है कि मधुमक्खी जो है अब उसी बॉक्स के अंदर ही वह मूव कर सकता है, घूम सकता है, तब उसी को कहते हैं कंस्टेंट। लिखे है वही कि द लिमिटेशन ऑन द मोशन ऑफ ए सिस्टम, यानी जो इससे पहले मधुमक्खी पूरा कमरा में घूमता था अब उसके ऊपर लिमिट लगा दी है कि आप उस डब्बा के अंदर ही अब आप घूम सकते हैं, तब उसको क्या कहते हैं, कंस्टेंट कहते हैं। उसके बाद देखिए, सपोज यहाँ पे आप लोग को फिगर भी बना देना है। ये है रूम, इसमें कमरा हम बना दिए हैं, ये इधर और इसको ऐसे ऐसे हम बना दिए, ठीक। और यहाँ पे बीच में मधुमक्खी है, अब इस मधुमक्खी के क्या कर दिया है, किसी बॉक्स में बंद कर दिया है, तो बॉक्स के अंदर ही घूम सकता है। इसमें देखिए, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं एच, चौड़ाई मान लेते हैं बी और लंबाई मान लेते हैं क्या, एल मान लेते हैं। तब ये जो मधुमक्खी होगा किस तरह घूमेगा, कितना, जितना ऊंचाई होगा उतना ऊंचाई तक जा सकती है, जितना चौड़ाई है उतना चौड़ाई तक जा सकते हैं, और जितना लंबाई है उतना लंबाई तक भी जा सकते हैं। तो इसको कुछ हम एक एक्सिस की तरह मान लेते हैं। इसको देखिए, सपोज कर लीजिए, इसको इधर क्या होता है, एक्स एक्सिस, इधर होता है वाई एक्सिस और इधर होता है जेड एक्सिस। तो ये अब क्या होगा कि अधिकतम ये जो है मधुमक्खी, जैसे कुछ इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स जो होगा ये अधिकतम एच ऊंचाई तक जा सकते हैं, एच के बराबर भी जा सकते हैं, या वाई होगा तो ये कितना, वाई कितना की उसके बराबर या उससे छोटा ही रहेगा ना, तो यहाँ पे बी इसकी चौड़ाई है। उसी तरह जेड है तो उससे बराबर या उससे छोटा ही वह उसके अंदर ही मूव कर सकता है ना, तो ये इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। यही होता है कि कंस्टेंट, जो उसके ऊपर हम लिमिट लगा दिए हैं कि आप उस बॉक्स के अंदर ही घूम सकते हैं। उसके बाद देखिए, बात किया जाए कि इसका प्रकार का, टाइप्स ऑफ कंस्टेंट, कंस्टेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, मेनली कंस्टेंट जो है वह चार प्रकार के होते हैं, वो आप लोग को हम बताएंगे एमएससी फर्स्ट ईयर में। अभी आप लोग को दो ही हमको पढ़ाना है जो आप लोग को क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग है, एक है होलोनोमिक कंस्टेंट और दूसरा है नॉन होलोनोमिक। तो देखिए, पहला है कि होलोनोमिक कंस्टेंट होता क्या है, साथ में एग्जाम्पल के साथ भी आपको एग्जाम में लिखना है। तो देखिए, व्हेन द कंडीशन ऑफ द कंस्टेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द इक्वेशन कनेक्टिंग टू द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल इज गिवेन बाय ये। इस इक्वेशन के फॉर्म यदि कोई कंस्टेंट वेरीफाई हो, एफ पोजिशन वेक्टर आर वन आर टू एंड सो वन आर एन तक रहेगा, और टाइम टी वेरीफाई करे इसके इक्वल में जीरो हो, यदि इस फॉर्म में कोई कंस्टेंट हो तब उसको कहते हैं होलोनोमिक कंस्टेंट। सिंपल लैंग्वेज है, व्हेन द कंडीशन, इसका एक शर्त है ऑफ द कंस्टेंट, कंडीशन का यानी कंस्टेंट का एक ऐसा शर्त कैन बी एक्सप्रेस्ड, जो व्याख्या करता है एज द इक्वेशन कनेक्टिंग टू द कोऑर्डिनेट्स, जो इस इक्वेशन को वेरीफाई करता है उसी को क्या कहते हैं, देन द कंस्टेंट इज कॉल्ड होलोनोमिक कंस्टेंट।
सिंपल भाषा में बताए हैं, डिटेल में आप लोग को एमएससी में पढ़ना होगा। चलिए तो यदि इस इक्वेशन के फॉर्म यदि वेरीफाई हो तब उस कंडीशन को, उस कंस्टेंट को क्या कहते हैं, होलोनोमिक कंस्टेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ द होलोनोमिक कंस्टेंट इज ए रिजिड बॉडी। ये एक रिजिड बॉडी के लिए इसका सिंपल एग्जांपल होता है, जैसे आप लोग को बताए हैं अंदर में कोई मधुमक्खी रहेगा, जितनी ऊंचाई है, जितनी चौड़ाई है, जितनी लंबाई है, उसके बराबर या उससे कम ही हम उसमें मूव कर सकते हैं, तो यही लिखे हैं। उसके बाद देखिए नॉन होलोनोमिक मतलब उस इक्वेशन को वेरीफाई ना करे, जो इक्वेशन आप लोग अभी बताए हैं यदि ये इक्वेशन वेरीफाई करे इस फॉर्म में रहे तो कहेंगे होलोनोमिक, और इसी में लगा देंगे यदि नॉन तो उसको वेरीफाई नहीं करेगा। तो लैंग्वेज सिंपल लिखे है, देखिए कि व्हेन द कंडीशन ऑफ द कंस्टेंट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, कैन नॉट लगा देना, बाकी लैंग्वेज सेम है, एज इक्वेशन कनेक्टिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल इज एवर इक्वेशन, एवर इक्वेशन की तरह वह कैन नॉट बी एक्सप्रेस, उसके जैसा व्यवहार नहीं करता है। दिस इक्वेशन, दिस कंस्टेंट इज कॉल्ड नॉन होलोनोमिक कंस्टेंट। तब इस प्रकार के कंस्टेंट को क्या कहेंगे दोस्तों, नॉन होलोनोमिक कंस्टेंट कहते हैं। उसके बाद देखिए इसका भी आप लोग को एग्जाम में एग्जाम्पल लिखना होगा, तो देखिए एग्जाम्पल के लिखे हैं द कंस्टेंट इन्वॉल्व इन द एग्जाम्पल ऑफ ए पार्टिकल प्लेस्ड ऑन द स्फीयर, या किसी स्फीयर के लिए लागू होता है, ऑफ ए स्फीयर इज ऑल्सो नॉन होलोनोमिक, मतलब इसका फॉर्म इस तरह का इक्वेशन रहना चाहिए, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के फॉर्म में रहेगा, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहते हैं नॉन होलोनोमिक कंस्टेंट। तो दोस्तों बहुत ही कम टाइम में आप लोग को बीएससी थर्ड ईयर में जितना आप लोग को लिखना होगा उतना आप लोग को लैंग्वेज के साथ हम बताने का प्रयास किए हैं। तो यदि आप लोग का वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, उसके बाद यदि आपको और भी कोई क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, लेकिन क्वेश्चन बैंक का जितना भी क्वेश्चन रहेगा ना आपको इस चैनल पे लगातार मिलते ही रहेगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।